वेलकम बैक। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास टेंथ का फिजिक्स का एक टॉपिक जो कि है लाइट। लाइट के बारे में पढ़ना है। इसलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके क्लास टेंथ सिलेबस का और अच्छा खासा मायने रखता है ये किसी भी ओलंपियाड एग्जाम के लिए, एनटीएससी सब में भी ये क्वेश्चन आता है और बहुत ही ईजी है। वैसे तो पूरा फिजिक्स ही ईजी है। फिजिक्स सबसे, दुनिया में सबसे ईजी सब्जेक्ट कौन सा? फिजिक्स सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे ईजी, मेरा फेवरेट फिजिक्स। जबरदस्त टॉपिक है, आराम से पढ़ेंगे हम लोग, सारी चीजें समझ में आएंगी। लाइट से जुड़ी हुई जो भी चीजें फिजिक्स में आपको पढ़नी है, वो फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसके अंदर में आपको स्टडी करना है, नाम है ऑप्टिक्स। क्या नाम है? ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स हम लोग स्टडी करना आज से शुरू करते हैं। आज इंट्रोडक्शन है, आज हम लोग जानेंगे लाइट क्या है, लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, लाइट का क्या हिस्ट्री है, सारी बातें, बहुत सी बातें आज हम लोग लाइट के बारे में करेंगे। आई होप आप सभी घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, जिसमें हम लोग बात करेंगे ऑप्टिक्स के बारे में। अब देखिए, सबसे पहले ऑप्टिक्स होता क्या है। ऑप्टिक्स फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसके अंदर हम लाइट के बारे में या लाइट से जुड़ी हुई जो भी फिनोमिनन्स है, लाइक रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, डिस्पर्सन है, डिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, पोलराइजेशन है, डिफ्रैक्शन है, लाइट से जुड़ी हुई जो भी फिनोमिनन्स है उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। किसमें? ऑप्टिक्स में। तो हम ऑप्टिक्स को डिफाइन कर सकते हैं, नोट में आपका लिखा हुआ होगा कि ऑप्टिक्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट लाइट एंड अबाउट फिनोमिनन्स रिलेटेड विथ लाइट। जो भी फिनोमिनन्स लाइट से रिलेटेड है या लाइट क्या है उसके बारे में, या अलग अलग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यू नो बहुत से इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जो लाइट के लिए वर्क करते हैं, लाइक ये गूगल, ये जो चश्मा है ये भी तो एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसमें भी लेंस लगा हुआ है, या माइक्रोस्कोप देख लीजिए, या टेलीस्कोप देख लीजिए, या प्रिज्म देख लीजिए, यानी वैसे सारे इंस्ट्रूमेंट जो लाइट पे बेस्ड हैं उन सभी के बारे में स्टडी करना है। किसका काम है? ऑप्टिक्स का। तो ऑप्टिक्स फिजिक्स का एक ब्रांच हुआ जिसमें हम लाइट के से जुड़ी हुई सारी चीजें और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से जुड़ी हुई सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। हमारा आंख भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, हमें इसमें हमारे आई के बारे में भी पढ़ना है, ह्यूमन आई के बारे में भी। लेकिन आपका जो करंट मॉडिफाइड सिलेबस आया है हाल ही में, जो सीबीएसई लॉन्च किया 7 जुलाई को, जो कि रिड्यूस सिलेबस है ड्यू टू कोरोना वायरस, उसमें दिखाया गया है कि ह्यूमन आई के बारे में हमें स्टडी नहीं करनी है, बोर्ड में उससे क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन हम लोग को पूरा पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड के लिए इसेंशियल नहीं है तो क्या, नॉलेज के लिए तो इसेंशियल है, तो हम लोग पूरा पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, तो ऑप्टिक्स क्या है ये समझ में आ गया। अब सबसे पहली बात है कि लाइट के बारे में पढ़ना है, तो लाइट क्या है, व्हाट इज लाइट। तो देखिए, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, दुनिया में जो कुछ भी है फिजिक्स कहता है कि वो दोनों में से कोई एक ही होगा, या तो वो मैटर होगा या एनर्जी होगी, इन्हीं दोनों में से कोई एक चीज होगा। तो लाइट क्या है? लाइट है एनर्जी। लाइट एनर्जी का एक फॉर्म है, और एनर्जी में भी कौन सा एनर्जी? रेडिएंट एनर्जी। Do you know रेडियंट एनर्जी? रेडियंट एनर्जी मतलब एक ऐसा एनर्जी जो रेडिएशन से फैलता है, यानी इसे चलने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए इसे हम रेडियंट एनर्जी कहते हैं। समझ गए बात? तो लाइट के बारे में अगर बात करोगे, लाइट को डिफाइन करना चाहोगे, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेज सेंसेशन ऑफ विजन इन आवर आईज। जब हमारी आंखों में लाइट पड़ता है तो हमें सेंसेशन ऑफ विजन होता है, हमें चीजें दिखाई पड़ती हैं। एक बात बताओ, कोई भी चीज हमें दिखता है कब? दिखता है जब रोशनी होती है। सबसे पहले तो आंख होनी चाहिए, देखने के लिए पहला एसेंशियल चीज क्या है? तुम्हारी आंख होनी चाहिए, आंख खुली हुई होनी चाहिए। और तीसरी चीज है कि लाइट होनी चाहिए। अगर लाइट हो, आपकी आंखें भी हो, आंख खुली हुई भी हो, तो आपको दुनिया दिखता है। लाइट एनर्जी का एक ऐसा फॉर्म है जो इस दुनिया को देखने योग्य बनाता है। अगर आपके आपके चारों तरफ बहुत अच्छी दुनिया है, बहुत रंग बिरंगा है सब चीज, शादी में बड़ा रंगीन झालर उलर लगा हुआ है, एकदम एलईडी बल्ब चल रहा है, जबरदस्त सजाया है, लेकिन जनरेटर बंद हो गया, बात खत्म। कैसा टेंट, कैसा पर्दा, कुछ नहीं, बिजली है ही नहीं ना, जनरेटर बंद हो गया। शादी में इतना सारा सजावट है, बहुत अच्छा रंग बिरंगा सब चीज, लेकिन जनरेटर ही बंद, कुछ दिखेगा नहीं दिखेगा, सब चीज तो है लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि लाइट नहीं है। तो लाइट वो है जो दुनिया को देखने योग्य बनाता है। ये जो इतनी रंग बिरंगी दुनिया आपको दिखती है, वो दिखती है किसकी वजह से? लाइट की वजह से। तो लाइट को डिफाइन करेंगे हम लोग, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन इन आवर आईज। हमारी आंखों में वो देखने का सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। लाइक जैसे साउंड, साउंड साउंड क्या करता है? सेंसेशन ऑफ हियरिंग प्रोड्यूस करता है जब हमारे कानों में पड़ता है। उसी तरह लाइट हमारी आंखों में जब पड़ता है तो सेंसेशन ऑफ विजन प्रोड्यूस करता है। डिफिनेशन सारे के सारे मौजूद है नोट्स में, चिंता मत कीजिए, बस ध्यान से सुनिए चीजों को। तो ठीक है, मजा आएगा फिजिक्स है। तो सेंसेशन ऑफ विजन प्रोड्यूस करने वाला फॉर्म ऑफ एनर्जी कहलाता है लाइट। आगे बढ़ जाते हैं,
अब आगे बात करें तो लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, लाइट की क्या क्या खासियत है। तो देखिए लाइट की खासियत की अगर हम बात करनी शुरू करें तो सबसे पहले अच्छा ठीक है, एक बात और, हमें कोई भी चीज दिखता कब है? हमने अभी तुरंत कहा कि लाइट हमें दुनिया दिखने के में मदद करता है, लाइट हमें दुनिया दिखाता है, लाइट ना हो तो दुनिया नहीं दिखेगी। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें कोई चीज दिखता कब है? तो देखिए हमें कोई भी चीज तब दिखता है जब वहां से आने वाला लाइट हमारी आंखों में पड़ता है। ठीक है, जैसे आपके हाथ में मोबाइल है, आपको मोबाइल दिख रहा है क्यों? क्योंकि मोबाइल से आने वाला लाइट आपकी आंखों में जा रहा है। उस मोबाइल के अंदर में मेरा चेहरा दिख रहा है क्यों? क्योंकि मेरे चेहरे से आने वाला लाइट आपकी आंखों में जा रहा है। समझ गए ना? अभी मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो यहां मैं खड़ा हूं और इस मोबाइल में ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, कैमरा उसको रिकॉर्ड कर रहा है क्यों? क्योंकि मेरे चेहरे से जाने वाला लाइट को वो क्या कर रहा है? रिकॉर्ड कर रहा है, उसको वो रख रहा है। और फिर जब आप उसे प्ले करते हैं तो वही सेम लाइट, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सब चीज वाला लाइट आपकी आंखों में जाता है, आपको वहां मुझे मेरा चेहरा दिख जाता है। है समझ में? तो लाइट कोई भी चीज आपको तभी दिखेगी जब वहां से लाइट आपकी आंखों में पहुंचेगी। समझ गए ना बात? एक बात बताइए, यहां से आपको दिल्ली नहीं दिखती है, क्यों? क्योंकि दिल्ली दूर है। अरे भाई चंद्रमा तो उससे भी अधिक दूर है, लेकिन चंद्रमा दिख जाती है, दिल्ली नहीं दिखता है। बुर्ज खलीफा दुबई में है, नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि वहां से जो लाइट आता है वो हमारी आंखों में पहुंच नहीं पाता है, रास्ते में ऑब्स्टेकल्स हैं, बाधाएं हैं, लाइट उसे पार नहीं कर पाती। तुम सब चीज रखो सामने, मैं आंख बंद कर लो, कुछ दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा भाई। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि आने वाले लाइट को इस आईलिड ने रोक दिया। तो सिंपल सी बात है, कोई भी चीज अगर आपको देखना है तो वहां से आने वाला लाइट आपकी आंखों में आना चाहिए, आपकी आंखों में पहुंचना चाहिए। अगर आंख में पहुंच गया कोई मतलब नहीं रखता वो कितना दूर है, पास में है, कहां है, नहीं है, दिख जाएगा। स्टार्स मिलियंस किलोमीटर कितने दूर है हमारे अर्थ का? सबसे नजदीक का स्टार कौन है? सन। उसके बाद जो भी दिख रहा है, सन बेटा वाला नहीं, सूरज वाला, जो भी उसके बाद दिख रहा है वो सारा का सारा स्टार हमसे दूर ही है, लेकिन फिर भी हमें दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वहां से आने वाला लाइट हमारी आंखों में पहुंच रहा है। समझ रहे हैं बात? तो सीधी सी बात है, कोई भी चीज दिखना है तो ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसी लाइन में बहुत सारी बातें, यहीं से हम बार बार शुरू करेंगे ये लाइन को। तो याद रखिएगा, हम कोई भी चीज हम तभी देखते हैं, वी सी एन ऑब्जेक्ट व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट इंटर्स इन आवर आईज। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को तभी देखते हैं जब वहां से आने वाला लाइट हमारी आंखों में इंटर करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा देखने का कंसेप्ट। आगे बढ़ते हैं, लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टीज जो आपने बचपन से आज तक कई बार ना जाने कितनी बार पढ़ा होगा, वो है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इट मींस लाइट ऑलवेज प्रोपगेट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलता है। ये आपने पढ़ा क्लास 8 में, तीन कार्डबोर्ड वाला एग्जाम्पल क्लास 8 में टीचर ने पढ़ाया होगा। तीन को कार्डबोर्ड ले लो, तीनों कार्डबोर्ड में छोटा छोटा छेद करो, मोमबत्ती उधर रख दो, तीनों कार्डबोर्ड लगा दो। एक कार्डबोर्ड को भी हिलाते थे तो मोमबत्ती नहीं दिखती थी, तीनों सीध में होता था तो दिखती थी। तो टीचर कहते थे कि देखो होल एक दूसरे के सामने है तो मोमबत्ती दिख रही है, इसका मतलब लाइट स्ट्रेट लाइन में चलता है। याद है? अरे नहीं, तो लाइट स्ट्रेट लाइन में चलता है उतना मोमबत्ती क्यों जलाए? सीधी सी बात है, शैडो का बनना, शैडो यू नो छाया, शैडो का बनना यह साबित करता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलता है। सिंपल बात, कोई आपसे पूछे कि शैडो फॉर्मेशन या लाइट स्ट्रेट लाइन में चलता है कैसे साबित करोगे? हम कहेंगे कि जब कि लाइट के रास्ते में हम एक ओपेक्यू ऑब्जेक्ट रख देते हैं। यू नो ओपेक्यू ऑब्जेक्ट, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक्यू। ट्रांसपेरेंट वो जिसको लाइट पार कर जाता है, लाइक ग्लासेज, वाटर, दीस आर ट्रांसपेरेंट। ट्रांसलूसेंट मतलब कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे होके सारा लाइट पास नहीं कर पाता है, कुछ ही पार्ट लाइट का पास करवाता है, वो कहता है ट्रांसलूसेंट। लाइक एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो तो ट्रांसलूसेंट में आप ऑयल से भींगा हुआ कागज या ऐसे कोई भी चीज जिससे आर पार पूरी तरह से नहीं दिखे, धुंधला धुंधला सा दिखे, जैसे ट्रांसलूसेंट। एंड ओपेक्यू जिसके आर पार बिल्कुल ना दिखे, जैसे ट्रांसलूसेंट। तो जब किसी लाइट के रास्ते में आप एक ओपेक्यू ऑब्जेक्ट को डालते हो जिससे लाइट पार नहीं कर पाता, तो आप देखते हो कि उसके अपोजिट साइड में क्या मिलता है आपको? शैडो मिलता है। क्यों बनता है शैडो? शैडो क्यों कास्ट होता है? बिकॉज मान लो हम यहाँ खड़े हैं, पीछे मेरा शैडो बन रहा है, एग्जाम्पल के लिए शैडो बन रहा है, मैं ऐसे खड़ा हूँ, पीछे मेरा शैडो बन रहा है। क्यों? क्योंकि इधर से जो लाइट आ रहा है बुआ, मेरा बॉडी ओपेक्यू है, उसने क्या किया, लाइट को रोक दिया। तो अब मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरा शैडो ऐसा ही बनेगा। यहाँ लाइट पास कर गया, यहाँ लाइट पास कर गया, यहाँ से लाइट पास कर गया, यहाँ से लाइट पास कर गया, यहाँ से गर्दन उर्दन से बगल से, लेकिन जो मेरे शरीर पर टकराया लाइट वो रुक गया।
तो चूंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलता है, तो यहां से जो लाइट पास हुआ वो यहां जाके रोशनी कर दिया, यहां से जाने वाला लाइट यहां जाके रोशनी कर दिया। लेकिन इन दोनों के बीच में जो रीजन था, ये जहां पर मेरा बॉडी का ये बॉडी वाली ये हमारा पीठ या हमारा बॉडी का ये एब्डोमेन जहां बीच में था, वहां से लाइट पास नहीं कर पाया, इतना दूर शैडो बन गया। अगर लाइट बेंड करता, अगर लाइट मुड़ता, लाइट में मुड़ने की टेंडेंसी होती, तो लाइट मुड़ करके यहां भी रोशनी कर देता, यहां भी रोशनी कर देता। यानी शैडो का बनना यह साबित करता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में प्रोपगेट करता है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि शैडो का बनना लाइट के किस प्रॉपर्टी को शो करता है, तो हम कहेंगे रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, यानी लाइट ऑलवेज प्रोपगेट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। और अगर आपसे ये कहे कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलता है, इसको साबित करने वाला कोई एक एग्जांपल दो, तो हम वही एग्जांपल देंगे कि जब किसी लाइट के रास्ते में हम एक ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो उस ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट का शैडो बनता है जो ये साबित करता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पहली प्रॉपर्टीज, लाइट ऑलवेज प्रोपगेट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ एंड द फॉर्मेशन ऑफ शैडो प्रूव्स इट। फर्स्ट पॉइंट हो गया, आगे बढ़ते हैं। लाइट, अब देखो अगली बात, लाइट क्या है? ये एक लंबा सा डिबेट है फिजिक्स की दुनिया का। फिजिक्स की दुनिया में भयंकर तरह का डिबेट हुआ है कि लाइट क्या है। फिजिक्स एक तरह से 300-350 साल तक बटा रहा कि लाइट क्या है। बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी सा है। इतना इंटरेस्टिंग है कि देखिए, लाइट के बारे में अगर बात करें ना, तो लाइट के बारे में सबसे पहले सबसे अधिक काम किया न्यूटन साहब ने, सर आइजैक न्यूटन। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, आप लोग हम लोग क्या समझते हैं कि सर आइजैक न्यूटन मोशन उशन के बारे में ज्यादा स्टडी करते थे, वो मोशन उशन में लगे रहते थे। सच बात तो यह है कि न्यूटन ऐसा कौन सा फील्ड है फिजिक्स का जहां उन्होंने वर्क नहीं किया। उस समय जितने भी मौजूद फील्ड थे, न्यूटन ने हर जगह काम किया, समझ के हर जगह काम किया उन्होंने, तो कोई ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप ये देखोगे तो न्यूटन का जो प्राइमरी इंटरेस्ट था वो लाइट के फील्ड में था। वो मेनली लाइट के बारे में स्टडी करना चाहते थे। वो लाइट से जुड़ी हुई चीजों को पहले बहुत ज्यादा स्टडी कर रहे थे। मैकेनिक्स को तो उन्होंने पूरा जनरेट ही किया अपने बल पर, वो तो मैकेनिक्स में उनका काम है ही। मैकेनिक्स का तो एक ब्रांच है न्यूटन के नाम पर, न्यूटोनियन मैकेनिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स, पूरा न्यूटोनियन मैकेनिक्स ही है, वो अलग है। लेकिन न्यूटन का जो प्राइमरी इंटरेस्ट था फिजिक्स के जिस फील्ड में, वो लाइट ही था। उन्होंने एक बुक भी लिखा था, ऑप्टिक्स, OPTICKS, उन्हीं के नाम पे ऑप्टिक्स आया, ऑप्टिक्स। न्यूटन ने एक बुक लिखा था अपने समय में। तो न्यूटन की अगर बात करें, न्यूटन ने लाइट को क्या सोचा था, ये हम थोड़ा सा स्टोरी सुनते हैं, कुछ टाइम लगेगा, थोड़ा सा ध्यान देखिए, मजा आएगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर लाइट की हम लोग बात करें तो लाइट के फील्ड में न्यूटन ने कहा कि देखो भाई, लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है, जिसे हम कॉर्पस्कल्स कहते हैं। कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट न्यूटन ने प्रपोज किया अपने बुक ऑप्टिक्स में। समझ गए क्या कहा न्यूटन ने? न्यूटन ने कहा लाइट छोटे छोटे पार्टिकल है। आप जान रहे हो पार्टिकल कहने का मतलब क्या है? वो उसे मैटर बना रहे हैं। लाइट किसे बना रहे हैं? लाइट को वो मैटर बना रहे, पार्टिकल कह रहे हैं ना। उन्होंने कहा कि लाइट आर मेड अप ऑफ कॉर्पस्कल्स, टाइनी पार्टिकल्स, टाइनी इलास्टिक पार्टिकल्स। इलास्टिक पार्टिकल्स मतलब ऐसा पार्टिकल जो किसी सरफेस से टकराएगा तो जितना सरफेस से स्पीड से टकराएगा उतना ही स्पीड से बाहर वापस लौट आएगा। ये कहा उन्होंने, कॉर्पस्कुलर थ्योरी दिया। समझ गए? इनसे पहले ये बात डेकार्टे नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने भी कहा था। बुक्स में जनरली डेकार्टे की चर्चा नहीं होती है, लेकिन डेकार्टे ने भी कहा था कि पार्टिकल्स का बना होता है लाइट। और उसी बात को आगे बढ़ाया सर आइजैक न्यूटन ने। उन्होंने कहा कि लाइट पार्टिकल्स, एंड न्यूटन फिजिक्स की दुनिया का भगवान, एक तरह से समझो कि मतलब भगवान ही, हाँ, फिजिक्स की दुनिया का भगवान न्यूटन, मतलब फिजिक्स की दुनिया का भगवान। उस समय में तो खास करके न्यूटन के बारे में अद्भुत अद्भुत बातें की जाती थी उस समय में। उनको माना जाता था कि मतलब ये ज्ञान का पुत्र है, ऐसा तरह का, मतलब सन ऑफ विजडम, ऐसा तरह का उनका क्रेज था उस समय में न्यूटन का। और था भी, उन्होंने काम भी कितना भयंकर किया है, सोचिए ना, इतनी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने दुनिया को बताई। पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि अर्थ का जो लॉ है वो यूनिवर्स में हर जगह वैलिड होता है, यानी कि लॉ के लिए कोई सीमाएं नहीं होती, कि पृथ्वी के लिए अलग नियम और चंद्रमा के लिए अलग नियम, नियम हर जगह एक जैसे काम करता है। ये बातें, ये सब सारी बातें, अद्भुत तरह की बातें न्यूटन ने कही थी। आज हमें न्यूटन का काम उतना भयंकर इसलिए नहीं लगता है क्योंकि साइंस इतना डेवलप कर गया कि हमें लगता है कि न्यूटन कब हुए थे, 16th सेंचुरी में न्यूटन हुए थे। उस समय के हिसाब से सोचिए कि साइंस कितना डेवलप था और आज साइंस कितना डेवलप है, उस हिसाब से न्यूटन का काम था। तो न्यूटन एक बड़े व्यक्ति थे, बड़ा इंटेलिजेंट, ओवर इंटेलिजेंट पर्सन। तो चलिए उसको छोड़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि कॉर्पस्कुलर थ्योरी लाइट पार्टिकल है। उसी समय न्यूटन जिस समय इस दुनिया में थे, उसी समय एक और साइंटिस्ट थे दुनिया में, फिजिसिस्ट थे, जिनका नाम था क्रिस्टियन हाइगेंस। कौन थे? हाइगेंस। दो व्यक्ति, देखिए दो व्यक्ति में डिबेट शुरू हुआ लाइट को लेकर। एक व्यक्ति का नाम न्यूटन और दूसरे व्यक्ति का नाम हाइगेंस। आप जब 11th में फिजिक्स पढ़ोगे तो 11th नहीं 12th में जब आप ऑप्टिक्स पढ़ोगे तो आपको हाइगेंस के बारे में भी पढ़ना होगा। क्रिस्टियन हाइगेंस एंड सर आइजैक न्यूटन, दो व्यक्ति जिनमें डिबेट शुरू हुआ सबसे पहले।
देखिए लाइट, इन्होंने कहा कि लाइट क्या है, पार्टिकल्स है, उन्होंने पार्टिकल माना। और इन्होंने क्या कहा, हैगेंस ने कहा कि लाइट वेव है, हैगेंस ने क्या कहा, वेव। अब देखो सबसे बड़ी बात, पहली बात, न्यूटन बहुत बड़ा नाम, हैगेंस उसकी तुलना में छोटा नाम। दूसरी बात, जो ही हैगेंस ने कहा वेव है, हैगेंस की थ्योरी का शुरू में बड़ा अपोज हुआ। हैगेंस ने जो ही कहा लाइट वेव है, दुनिया ने कहा ऐसे कैसे, वेव को चलने के लिए मीडियम चाहिए। हम सभी क्लास नाइन्थ में आप सभी वेव पढ़े हुए हैं, तो आपको पता है कि वेव को चलने के लिए मीडियम चाहिए। तो लोगों ने कहा कैसे कैसे, वेव वेव कैसे हो सकता है, सन कहाँ है, अर्थ कहाँ है, बीच में वेव, मीडियम कहाँ है, तो लाइट कैसे आ जाएगा बिना मीडियम का, अगर वेव है तो बिना मीडियम, तो मीडियम कौन सा, अगर वेव है तो मीडियम बताइए। तो हाइगेंस ने कहा कि देखो भैया ऐसा है, पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में हर जगह एक ईथर का मीडियम फैला हुआ। उन्होंने एक हाइपोथेटिकल मीडियम, हाइपोथेटिकल मीन्स काल्पनिक, उन्होंने एक काल्पनिक मीडियम की कल्पना की और उन्होंने कहा कि ईथर फैला हुआ है पूरे ब्रह्मांड में, ईथर, ईथर नाम का एक मीडियम उन्होंने कहा वो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, और उसी मीडियम को यूज करके लाइट वेव पूरे यूनिवर्स में फैलता है और अर्थ पे भी आता है। ये बात कही उन्होंने, हाइगेंस ने। उस समय लाइट से जुड़ी हुई हमें दो फेनोमेनन्स का पता था। पहली फेनोमेनन थी रिफ्लेक्शन, पहली फेनोमेनन थी क्या, रिफ्लेक्शन, और दूसरी फेनोमेनन थी रिफ्रैक्शन। देखिए हम आज ओवरव्यू है, आज आप अगर अच्छे से समझ जाओगे ना तो लगभग लगभग आपको लाइट का पूरा दुनिया ही समझ में आ जाएगा। ये स्टोरी अगर आप ध्यान से सुन लिए तो आप जबरदस्त समझोगे। उस समय लाइट से जुड़ी हुई दो फेनोमेनन, पहली फेनोमेनन रिफ्लेक्शन, दूसरा फेनोमेनन रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है भैया, रिफ्लेक्शन होता है कि जब लाइट किसी सरफेस से जाके टकराता है तो वहां से बाउंस बैक कर जाता है, वापस लौटा, तो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। सिंपल सिंपल बात, लाइट है किसी सरफेस से टकराया, टकरा के वापस लौटा, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। सिंपल सी बात, फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन को प्रूफ करने की बात आई तो न्यूटन ने भी प्रूफ कर दिया। किसने प्रूफ कर दिया, न्यूटन ने भी प्रूफ कर दिया और हाइजेंस ने भी प्रूफ कर दिया अपनी अपनी थ्योरी से। इन्होंने कोलिजन मेथड यूज करके प्रूफ किया कि वो लाइट बॉल है, बॉल जाके टकराता है सरफेस पे, घूम जाता है, जैसे हम गेंद मारते हैं टकरा के लौट आता है ना, ऐसे करके उन्होंने इलास्टिक पार्टिकल के हिसाब से न्यूटन ने रिफ्लेक्शन को प्रूफ किया। हाइजेंस ने भी अपना थ्योरी दिया, हाइजेंस ने भी अपने थ्योरी से रिफ्लेक्शन को प्रूफ किया। अभी आपको समझाने की कोशिश करेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन हाइजेंस ने भी किया, ट्वेल्थ में आप पढ़ोगे हाइजेंस ने कैसे प्रूफ किया, वेव थ्योरी से भी प्रूफ किया, दोनों ने प्रूफ कर दिया। चलो ठीक है भाई, अगला फेनोमेनन क्या था, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका वो सरफेस पर जो है वो बेंड करता है, मुड़ता है। लाइट स्ट्रेट लाइन में चलता है ना, तुरंत मैंने कहा लाइट ऑलवेज प्रोपगेट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, लेकिन जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो जो बाउंड्री होगी वहां पर लाइट मुड़ जाता है। जैसे लेट सपोज यहां पर हम बात करते हैं कि ये बाउंड्री है, ऊपर में मान लो एयर है और नीचे वाटर है, एयर है वाटर है, लाइट मान लो ऐसे आ रहा है तो इसे ऐसे जाना चाहिए ना, लेकिन तुम देखोगे कि बाउंड्री पे लाइट ऐसे मुड़ गया, फिर जब तक वाटर है तब तक ये ऐसे सीधे जाते रहेगा। यानी कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो सरफेस पर बाउंड्री पर वो बैंड करता है, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दिस इज द सेकंड फेनोमेनन एसोसिएटेड विद लाइट। रिफ्रैक्शन की बात आई तो न्यूटन ने भी प्रूफ किया रिफ्रैक्शन को, हाइजेंस ने भी प्रूफ किया रिफ्रैक्शन को, लेकिन यहां पर एक चीज अंतर था। हाइजेंस ने कहा कि लाइट जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा, रेयरर मीडियम किसे कहते हैं, रेयर मीडियम मतलब ऐसा मीडियम जो कम घना है। अभी आप इतना इतना समझिए, हम लोग इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे, आज हम लोग ओवरव्यू सा कर रहे हैं, बहुत सी बातें आएंगी जो आपको नहीं भी समझ में आएंगी या हो सकता है समझ में भी आ जाए। तो रेयरर मतलब हम सबको सबको डिफाइन करेंगे आगे जाके, चिंता मत कीजिए, नहीं भी समझ में आ रहा स्टोरी सुनिए, आज स्टोरी पे फोकस कीजिए कि देखिए कैसे डिबेट चलता है, साइंस कैसे सोचता है, वो मैं बताने के लिए कहानी सुना रहा हूं। तो रिफ्रैक्शन, तो इन्होंने कहा भाई देखो जब मीडियम है दो तरह का मीडियम होगा, रेयरर डेंसर, रेयरर मीडियम वो होगा जो कम घना है, डेंसर मीडियम वो होगा जो ज्यादा घना है, लाइक एयर कम घना है, वाटर ज्यादा घना है, ग्लास उससे भी ज्यादा घना है, तो ग्लास इज डेंसर, एयर इज रेयरर। अगर हम ग्लास और एयर में देखेंगे तो एयर रेयरर है, ग्लास डेंसर है, और अगर हम वाटर एयर में देखेंगे तो एयर रेयरर है, वाटर डेंसर है, और अगर हम वाटर और ग्लास में देखेंगे तो वाटर रेयरर है, ग्लास डेंसर है, समझ रहे हो ना, क्योंकि वो कंपैरिजन होता है कम ज्यादा खाना है, समझ रहे हो बात। तो मीडियम, तो रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम, न्यूटन का कहना था कि डेंसर मीडियम में लाइट ज्यादा तेजी से चलता है और रेयरर मीडियम में लाइट स्लो हो जाता है, जो कि सच नहीं है। आज हम ये बात जानते हैं, आज हमें ये पता है कि रेयरर मीडियम में लाइट फास्ट चलता है, डेंसर मीडियम में लाइट स्लो चलता है।
ये बात हाइजेंस का है। हाइजेंस कह रहे थे कि रेरर मीडियम में लाइट फास्ट चलेगा और डेंसर मीडियम में लाइट स्लो चलेगा। तो न्यूटन और इनमें एक कंट्राडिक्शन वहां था। अब आप कहोगे सर तो नाप के देख लेते, जिसमें फास्ट चलता उसका बात सही हो जाता। अरे गधा, उस समय में था ही नहीं ना कोई इंस्ट्रूमेंट जो लाइट का स्पीड बता दे। लाइट का स्पीड मेजर करने के लिए आपके पास मेथड होगा तब ना आप मेजर करोगे। लाइट इतना फास्ट चलता है, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ही नहीं था। दोनों ने कहा, दोनों का बात सही था। चलो ठीक है, ये बात हो गई। न्यूटन से एक और चीज क्वेश्चन पूछा गया था जिस पर न्यूटन फंस गए थे, वो भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। लोगों ने कहा कि सर जब हम तालाब में इसे झांकते हैं, तालाब पोखर यू नो तालाब पोखर कुछ भी, तालाब में जब हम इसे झांकते हैं तो हमें दो चीजें एक साथ दिखती हैं, दो फेनोमेनन एक साथ ऑब्जर्व होती हैं। अब आप कहोगे सर कैसे? देखो मैं बताता हूँ। जब ऐसे तालाब में आपने कभी अगर देखा होगा तालाब में या पोखर में, ऐसे नदी के किनारे खड़ा होकर ऐसे देखेंगे तो जो सरफेस है वाटर का उस पर आपको आपका चेहरा भी दिखता है, और साथ ही साथ अगर वो पोखर का पानी साफ हो, तालाब का पानी साफ हो, तो उस पानी का जो तल होता है, जो सरफेस होता है, ग्राउंड नीचे वाला सॉयल होता है, वो भी दिखता है। तो यहाँ लाइट के दो फेनोमेनन एक साथ हो गए। सरफेस पर जो आपको चेहरा दिखा, दिस इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन। वो रिफ्लेक्शन की वजह से सरफेस पर जो चेहरा दिख रहा है आपको, वो रिफ्लेक्शन की वजह से। और आपको अंदर जाके उसका तलहटी भी दिख रहा है, पानी का नीचे वाला सरफेस भी दिख रहा है। इसका मतलब कुछ लाइट ऊपर से लौटा, कुछ लाइट नीचे से लौटा। न्यूटन ने ये बात बोला। न्यूटन ने बोला कि देखो भैया ऐसा है, कुछ कॉर्पस्कल्स, वो तो लाइट को कॉर्पस्कल्स कह रहे थे, उन्होंने कहा कि कुछ कॉर्पस्कल्स कहां से लौटा? सरफेस से लौटा। और कुछ कॉर्पस्कल्स कहां से लौटा? वो अंदर में जाकर के उस ग्राउंड सरफेस से जाके लौटा। लोगों ने पूछा सर कौन सा सरफेस से लौटा और कौन अंदर गया, ये तो बताइए। न्यूटन ने नहीं बताया। हाइजेंस के थ्योरी से अगर चले तो वो कहते, वो आराम से बता, उन्होंने कहा कि वेव का कुछ पोर्शन यहां से लौट गया, कुछ पोर्शन वहां से लौटा, क्योंकि वेव में ऐसा काम हो सकता है। ठीक है, तो चलिए यहां पे फंस गया, ये सब कुछ बातें थी, लेकिन फिर भी न्यूटन की थ्योरी, दोनों थ्योरी चल रही थी। इसके बाद ये सब काम 1650 से पहले ही हो रहा है, 1650 ईस्वी के आसपास में ये सारी बातें हो रही है। समय बीतता गया और 1801 आ गया। 1801 यानी 150 साल बीत गए। न्यूटन भी स्वर्ग सिधार गए, हाइजेंस भी स्वर्ग सिधार गए। अब दुनिया में ना न्यूटन है ना हाइजेंस है, लेकिन दोनों की थ्योरी है। यही होता है साइंस, साइंटिस्ट चले जाते हैं, उनकी थ्योरी रहती है। चलो ठीक है, तो आ गए उसके बाद तीसरी बात। तीसरी साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था थॉमस यंग। ध्यान से सुनिएगा, नाम में ही यंग है, थॉमस यंग। 1801 वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट क्या था ध्यान से देखिएगा। उन्होंने क्या किया, एक बल्ब जलाया, एक बल्ब, हाँ येलो कलर का ही बल्ब था, वो येलो लाइट वाला ही बल्ब था, समझ गए। और यहां पर उन्होंने क्या किया, ऐसे करके स्लिट लगाया, इसे हम स्लिट कहते हैं, यहां से दो नैरो रास्ते दिए लाइट को निकलने के लिए। और यहां पर एक बड़ा पर्दा लगाया, यहां पर एक बड़ा पर्दा लगाया। एक बात बताओ, लाइट यहां से निकलेगा? ओह सॉरी, चलिए यहां गया, लाइट यहां से निकलेगा तो यहां जाएगा, ओह सॉरी सीधे जाना चाहिए, यहां गया लाइट। और ध्यान से आप खाली समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं, और यह लाइट यहां गया। तो न्यूटन की थ्योरी के हिसाब से देखे तो यहां से जो लाइट गया तो यहां रोशनी होनी चाहिए, यहाँ रोशनी होनी चाहिए, बाकी हर जगह अंधेरा होना चाहिए। सिंपल सी बात होनी चाहिए ना ऐसा। अरे भाई स्ट्रेट लाइन में चलता है तो यहाँ पे रोशनी होगी, यहाँ पे रोशनी, इस बीच वाला को तो रोक दिया ना ये, तो यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा। लेकिन जब इस एक्सपेरिमेंट को थॉमस यंग ने परफॉर्म किया ऐसा करके, तो उनको अजीब सा रिजल्ट मिला। क्या रिजल्ट मिला जानते हो? यहाँ तो उजला था, यहाँ उजला था, बीच बीच में भी उजला मिला, ऐसे करके ब्राइट फिर डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट फिर नीचे डार्क, फिर इसके ऊपर में डार्क, यानी अल्टरनेट ब्राइट डार्क मिला। और इसे उन्होंने कहा फ्रिंज। क्या कहा? फ्रिंज, उन्होंने फ्रिंज कहा। और ये जो फेनोमेनन थी फ्रिंज का बनना, यानी जब किसी दो जब ऐसे एक सोर्स से दो ऐसे हुआ तो जो फ्रिंज बना, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। 12th में ये सब पढ़ोगे आप, मैं थोड़ा सा यहाँ इंट्रोड्यूस कर देता हूँ जिससे कि आप वहां पर थोड़ा सा आपको ये आ जाए कि सर ने पढ़ाया था उस समय। ये फेनोमेनन थी इंटरफेरेंस, यानी कि दो स्लिट्स से, इसको स्लिट्स कहते हैं, ये जो रास्ते हैं इनको हम स्लिट्स कहते हैं, SLIT स्लिट्स, दीज आर कॉल्ड स्लिट्स। तो जब दो स्लिट्स से लाइट पास करता है तो हमें दो ब्राइट स्पॉट नहीं मिलते, हमें अल्टरनेट ब्राइट डार्क स्पॉट मिलते हैं, दीज स्पॉट्स आर कॉल्ड फ्रिंजेस, एंड हमें ये फ्रिंजेस मिला। इस फेनोमेनन को क्या कहा थॉमस यंग ने? इंटरफेरेंस।
और जब अब देखो एक एक्सपेरिमेंट था, लाइट से जुड़ा हुआ एक्सपेरिमेंट था, तो कोई भी थ्योरी को एक तो एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना। रिचर्ड फिनमैन ने कहा था, नो मैटर हाउ स्मार्ट यू आर एंड हाउ ब्यूटीफुल योर थ्योरी इज, इफ इट डज नॉट एग्री विथ एक्सपेरिमेंट इट इज रॉन्ग। मतलब ये मायने नहीं रखता है कि आप कितने स्मार्ट हैं, आपका कितना बड़ा नाम है, आपका कितना बड़ा दिमाग है और आपकी थ्योरी कितनी खूबसूरत है, बहुत अच्छा लगता है सुनने में, अगर वो एक्सपेरिमेंट के साथ सही नहीं है, एक्सपेरिमेंट उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, एक्सपेरिमेंट के साथ उसका संबंध नहीं है, तो वो गलत है। तो अब इस थ्योरी पे इंटरफेरेंस जो फेनोमेनन आया उसको हाइजेंस की थ्योरी प्रूफ कर रही थी। हाइजेंस की थ्योरी एक्सप्लेन कर देती है, न्यूटन की थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। न्यूटन की थ्योरी इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, हाइजेंस की थ्योरी कर देती है। एक कंसेप्ट होता है वेव का, वेव कह रहे थे ना, हाइजेंस क्या कह रहे थे, वेव कह रहे थे। तो एक वेव का कंसेप्ट होता है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, पढ़ोगे आप लोग क्लास 11th में पढ़ाया जाएगा सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, उस कंसेप्ट को यूज करके इंटरफेरेंस को प्रूफ किया जा सकता था। अब जाएंगे हम सुपरपोजिशन में तो फिर वो टाइम टेकिंग हो जाएगा, लंबा हो जाएगा लेक्चर। तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स था एक कंसेप्ट जिसके आधार पर ये चीज प्रूफ हो जाती थी इंटरफेरेंस। तो हाइजेंस की थ्योरी प्रूफ कर रही है, इनकी थ्योरी प्रूफ नहीं कर पा रही है। चलो समय और बीता, फिर एक और फेनोमेनन हमें मिला, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस क्या है, आपको थोड़ा बहुत फील आया, जो ब्राइट अल्टरनेट ब्राइट डार्क फ्रिंजेस का बनना, दिस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। एंड डिफरेंस देखिए क्या होता था, यहां एक लाइट है, मान लो एक लाइट सोर्स है, यहां पर एक लाइट सोर्स है, लेट्स सपोज यहां पर एक लाइट सोर्स है, और यहां पर हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट डाला जिसका सार्थ कॉर्नर है, ये सार्थ कॉर्नर वाला ऑब्जेक्ट है, यहां हमने पर्दा लगा दिया। तो सोचो भाई लाइट निकलेगा यहां से, तो यहां से जो लाइट जाएगा वो यहां पे रोशनी करेगा, और इधर वाली सारी लाइट यहां जाएंगी तो इधर रोशनी होगी, और इधर क्या होगा, अंधेरा होगा। नीचे वाला क्या होगा, क्योंकि यहां से इधर वाला लाइट तो रुक जाएगा ना, तो यहां क्या होना चाहिए, इधर शैडो होना चाहिए, इधर क्या होना चाहिए, शैडो होना चाहिए, और इधर क्या होना चाहिए, रोशनी होनी चाहिए। लेकिन क्या देखा गया, जब इसको किया गया एक्सपेरिमेंट को, तो देखा गया ये जो कॉर्नर्स हैं ये लाइट थोड़ा सा बैंड कर जाता है, यानी यहां भी रोशनी हो जाती है, यानी शैडो जो है यहां, जो शैडो यहां से बनना चाहिए वो शैडो यहां से नहीं बनकर, सॉरी, जो शैडो यहां से बनना चाहिए वो शैडो यहां से नहीं बनकर यहां से बनता है, यानी ये कुछ रीजन जो है शैडो वाला रीजन उसमें भी रोशनी हो जाती है। दिस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन, यानी कि कॉर्नर से लाइट का मुड़ना, कॉर्नर से लाइट का मुड़ना, ये जो यही फेनोमेनन है डिफ्रैक्शन, कॉर्नर से लाइट का मुड़ जाना, ये कहलाता है डिफ्रैक्शन। जैसे आप भी इस बात को देखते होंगे, एक ऐसे हाथ रखिए आप, रोशनी उधर से जला दीजिए और ऐसे हाथ रखिए, तो यहाँ पर शैडो बनेगा, उस हाथ को आप यहाँ से दूर करते जाइए तो कुछ देर के बाद शैडो गायब हो जाएगा। पास में रखोगे शैडो बनेगा, ऐसे पास में रखोगे शैडो बनेगा, धूप में ही तुम करना, ऐसे रख दोगे हाथ, ऐसे धूप में करके देखना, धूप जब आता रहेगा ऐसे रखोगे शैडो बनेगा, लेकिन इसी हाथ को दूर करते जाओ जहां शैडो बन रहा है, एक समय के बाद शैडो गायब हो जाएगा। तो जब लाइट रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन में, तो शैडो तो हमेशा बनना चाहिए। इट मीन्स कॉर्नर से लाइट में बेंडिंग होती है, लाइट कॉर्नर से मुड़ती, एंड ये जो कॉर्नर से लाइट का मुड़ने का फेनोमेनन है, दिस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। इसको भी न्यूटन की थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, हाइजेंस की थ्योरी ने एक्सप्लेन कर दिया। देखो कितना कमाल हो रहा है। एक और फेनोमेनन फिजिक्स की दुनिया में आया, दैट इज पोलराइजेशन। इसको भी न्यूटन की थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, हाइजेंस की थ्योरी ने एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन पोलराइजेशन से एक बात क्लियर हुआ, जानते हो क्या, जिस समय हाइजेंस ने ये थ्योरी दी थी वेव थ्योरी ऑफ लाइट, उसमें उन्होंने कहा था कि लाइट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव जस्ट लाइक साउंड वेव। साउंड वेव क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है ना, तो उन्होंने कहा था, हाइजेंस ने कहा था कि लाइट भी एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है जस्ट लाइक साउंड वेव। बट पोलराइजेशन ऑफ लाइट जो एक फेनोमेनन थी, उसने ये साबित किया कि लाइट इज नॉट लॉन्गिट्यूडनल वेव, इट इज ट्रांसवर्स वेव। क्या है, ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स वेव मतलब वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर में डिस्टरबेंस में मतलब पार्टिकल्स में ऑसिलेशन होता है, समझ रहे हो ना बात, क्रेस्ट ट्रफ बनता है, कंप्रेशन रेयरफैक्शन नहीं बनता है। होप आपको याद होगा, 9th में आपने पढ़ा था। तो पोलराइजेशन आ गया, इतनी सारी बातें हाइजेंस की सही हो रही है दुनिया में, तो लोगों को लगा इसका मतलब ईथर भी होता होगा, क्योंकि हाइजेंस की सारी बातें सही हो रही है ना, तो लोगों को लगा कि ईथर भी होता होगा। तो ये चेक करने के लिए कि दुनिया में ईथर है या नहीं है, एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, माइकलसन एंड मोरली,
ये सारी बातें पढ़नी है आपको हायर फिजिक्स में। माइकलसन एंड मोरले का चलो चेक करते हैं कि इथर है या नहीं है, और साबित कर देते हैं दुनिया को कि इथर है। माइकलसन मोरले का ये मोटो था, ये साबित करना कि इथर है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, डिजाइन किया ऑपरेटर, सारी बातें लगाई, सिंपल सा ही है लेकिन अभी हम नहीं समझा सकते, फिर वही बात है हायर क्लासेज में है वो सारी चीजें। तो उन्होंने प्लेन मिरर उरल लगा करके, माइकलसन मोरले टेलीस्कोप सब लगा करके एक एक्सपेरिमेंट किया माइकलसन और मोरले ने, मुझे रिजल्ट से मतलब है अभी। जब उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आया तो ये साबित हो गया कि दुनिया में इथर नहीं है। माइकलसन मोरले क्या साबित करने जा रहे थे? इथर है। माइकलसन मोरले ने क्या साबित कर दिया? इथर नहीं है। वाह, साबित हो गया इथर नहीं। दुनिया के सामने फिर ये क्वेश्चन कि भाई हाइजेंस की बातें सही हो रही हैं, न्यूटन की बातें गलत हो रही हैं, तो वेव है तो मीडियम तो चाहिए। उसी समय फिजिक्स की दुनिया में एक और फिजिसिस्ट का जन्म हुआ जिसका नाम था जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने कहा कि चिंता मत करो, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और एक नए तरह की वेव की कल्पना आई, एक नए तरह के वेव का कंसेप्ट आया फिजिक्स की दुनिया में, जिसे कहा गया नॉन मैकेनिकल वेव। और वेव दो टाइप के हो गए, आपको अगर नाइन्थ में टीचर ने पढ़ाया होगा तो दो टाइप के वेव पढ़ाए होंगे, मैकेनिकल वेव एंड नॉन मैकेनिकल वेव। मैंने तो पढ़ाया ही था मैकेनिकल वेव एंड नॉन मैकेनिकल वेव। क्या बताया था मैंने? मैकेनिकल वेव वो होता है जिसे प्रोपगेट करने के लिए एक मटेरियल मीडियम चाहिए, सॉलिड लिक्विड गैस का मीडियम चाहिए, और नॉन मैकेनिकल वेव वो होता है जिसे चलने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है, वो कोई और मेथड इस्तेमाल करता है। लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करता है, जो ग्रेविटेशनल वेव है वो स्पेस टाइम कर्व का इस्तेमाल करता है। ये सब बातें मैंने एग्जाम्पल में बताई थी क्लास नाइन्थ में, आई होप आपको याद आ गई होंगी। जो नहीं याद आया तो समझ लो कि नॉन मैकेनिकल वेव वो होता है जिसको चलने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कल्पना की, उसने कहा कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो बात कह रहे थे वो इथर के लिए, वही बात मैक्सवेल कह रहे हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रीजन फैला हुआ है। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये याद रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होता है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के एंगल पर। ओलंपियाड में पूछ देगा कई बार कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में प्रोपगेशन होता है वो कितने डिग्री पर होता है। आंसर होगा 90 डिग्री, आंख बंद करके मार देना, समझ गए बात। तो 90 डिग्री पर होता है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो मैक्सवेल ने कहा कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, हो गया बात। तो दुनिया ने कहा ओहो ये गड़बड़ था, चलो कॉम्प्लेक्स सब कुछ क्लियर हो गया, हाइजेंस का कहना सत्य था कि लाइट एक वेव है, बस उन्होंने ये गड़बड़ी कर दी कि वो इथर कह रहे थे, इथर उथर कुछ नहीं है, सच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और वो लॉन्गिट्यूडनल नहीं ट्रांसवर्स वेव है। दुनिया ने चैन की सांस ली, दुनिया ने कहा प्रॉब्लम सॉल्व्ड। लेकिन जब प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला होता है तभी नेचर आपके सामने एक और प्रॉब्लम फेंक के मारता है, और एक अगली फेनोमेनन की खोज हुई, छठा फेनोमेनन जिसने दुनिया को फिर से बदल दिया, नाम था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक बॉलीवुड मूवी से कम थ्रिलर नहीं है भाई ये कहानी। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था, आपने नाम सुना होगा हेनरी हर्ज का, जिसके नाम पे फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ज। हेनरी हर्ज क्या कर रहे थे? हेनरी हर्ज देखिए एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। हेनरी हर्ज ने देखा, यहां देखिएगा, उन्होंने एक मेटल प्लेट लिया, क्या लिया? मेटल प्लेट। और इस पर उन्होंने क्या देखा कि जब हम इस पर लाइट फॉल करवाते हैं, लाइट जब इस पर फॉल होता है, ये सन से आने वाली लाइट है, सूरज वाला सन, सन से आने वाली लाइट है, तो जब ये लाइट इस पर फॉल करता है इस मेटल पर, तो यहां से इस लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर आता है। कौन बाहर आता है? इलेक्ट्रॉन, इस मेटल से। अब आप जानते हो मेटल के अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं। ये भी एक इफेक्ट है लाइट का, कि लाइट मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर ला सकता है, एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इस थ्योरी को जब एक्सप्लेन करने जाओगे तो जो पार्टिकल थ्योरी है वो साबित कर देगा, वेव थ्योरी साबित नहीं कर पाएगी। ये क्या हो गया? वेव थ्योरी तो बड़ा बढ़िया काम कर रहा था हर जगह, लेकिन यहां पर आकर फंस गया। दुनिया के सामने फिर से वही क्वेश्चन, लाइट क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने दुनिया के सामने फ्री क्वेश्चन खड़ा कर दिया कि तुम जो ये कह रहे थे कि लाइट वेव है, तो वेव थ्योरी से तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं होता है, अब पार्टिकल थ्योरी से हो जाता है, तो बताओ क्या है? अब फिजिक्स की दुनिया में फिर से टेंशन। अब क्या, इसी समय बड़े बड़े मजेदार लोगों ने अलग अलग बातें की। रिचर्ड फिनमैन मेरे फेवरेट फिजिसिस्ट में से एक हैं, सबसे फेवरेट हैं वो, बहुत अच्छे टीचर भी थे वो।
उनका बुक भी है लेक्चर ऑन फिजिक्स, तो उनसे जब लोगों ने पूछा, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को बताया कि देखो बच्चों ऐसा है, ये सब कॉमेडी था, मैं सुना देता हूँ फिल्म इनका। उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है ना, 7 दिन होते हैं ना सप्ताह में, लोगों बच्चों ने कहा हाँ सर, देखो 3 दिन जो है ना लाइट पार्टिकल है, 3 दिन पास लाइट वेव है। लोगों ने कहा सर 7 दिन होता है सप्ताह में, 1 दिन? सर ने कहा 1 दिन संडे भी होता है ना, उस दिन कॉलेज बंद रहती है, उस दिन वो डिस्कस ही नहीं करते हैं। सब कॉमेडी थी, समझ गए। तो अब दुनिया के सामने क्वेश्चन कि लाइट है क्या, पार्टिकल या वेव, पार्टिकल या वेव, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसको एक्सप्लेन किया सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने। इसी को एक्सप्लेन करने के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था। अल्बर्ट आइंस्टीन को एक ही बार नोबेल प्राइज मिला। आप जो सुनते हैं ना, कितने लोगों को लगता है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज ई बराबर एमसी स्क्वायर के लिए मिला होगा, क्योंकि हम लोग आइंस्टीन सुनते ही हमारे माथा में चमकता है ई बराबर एमसी स्क्वायर। तो ऐसा कुछ नहीं है, ई बराबर एमसी स्क्वायर के लिए आइंस्टीन को कोई प्राइज वराइज नहीं मिला था नोबेल प्राइज। उनको नोबेल प्राइज मिला था वो किसके लिए मिला था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। आइंस्टीन ने किया था फोटोन का कंसेप्ट यूज करके। उन्होंने कहा था कि लाइट में पार्टिकल्स एनर्जी पैकेट्स होते हैं जिसे हम फोटोन्स कहते हैं। बात करेंगे थोड़ा सा फोटोन्स पे भी, हम चैप्टर में पढ़ते पढ़ते हम लोग बात करेंगे। तो आइंस्टीन ने इसे एक्सप्लेन किया था, फोटो सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। ओके ठीक है, इस तरह से हो गया दुनिया। अब दुनिया के सामने लेकिन क्वेश्चन तो यही है कि लाइट क्या है। तो उसी समय एक फ्रांस के फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था डी ब्रॉगली। क्या नाम था? डी ब्रॉगली। वो दुनिया के सामने आए और उन्होंने एक लाइन बोला, उन्होंने कहा कि लाइट हैज डुअल नेचर। लाइट में डुअल नेचर होता है, लाइट पार्टिकल भी है और लाइट वेव भी है। यानी लाइट में पार्टिकल वाला गुण भी है, वेव वाला गुण भी है। ये कहा डी ब्रॉगली, डुअल नेचर। यही एक लाइन आपके बुक में लिखा हुआ है कि लाइट पजेज डुअल नेचर, लाइट में डुअल नेचर होता है, यानी लाइट पार्टिकल भी है लाइट वेव भी है। लोगों ने कहा सर कब वो पार्टिकल है और कब वो वेव है? तो डी ब्रॉगली ने कहा कि देखो भैया, जब लाइट प्रोपगेट कर रहा है, यानी जब लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहा है, उस समय वो वेव की तरह बिहेव करता है। यानी जब लाइट प्रोपगेट करता है तो वो वेव की तरह बिहेव करता है, और जब वो किसी मैटर से टकराता है, किसी मैटर से उसका इंटरेक्शन होता है, तो वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। दिस इज कॉल्ड डुअल नेचर ऑफ लाइट, समझ गए। और यह बोल करके हमने अपने इस विवाद को एक सुलझा, एक संधि तक पहुंचा दिया। ये क्या ये सॉल्यूशन थोड़े है, लाइट कुछ एक ही ना होगा, पार्टिकल वेव कुछ एक होगा। सच में अब तो हम यही मानते हैं कि मैटर भी एनर्जी है, वो हायर फिजिक्स में क्वांटम फिजिक्स ये सबको एक्सप्लेन करता है, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन यही स्टोरी है लाइट की, कि लाइट क्या है नहीं। आई होप आपको मजा आया होगा स्टोरी सुन करके, बढ़िया लगा ही होगा, थ्रिलिंग है। कितना सोचते बॉलीवुड की सिनेमा भी इतनी थ्रिलिंग नहीं होती है जितना ये थ्रिलिंग है। अब मजा आता है इन सब चीज़ों में, तो ठीक है। इसी तो आखिरकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे, ये कंक्लूजन निकाला हमने कि लाइट हैज अ डुअल नेचर, और लाइट जब प्रोपगेट करता है तो वो वेव होता है, और लाइट जब किसी सरफेस से टकराता है, किसी मैटर से टकराता है, तो वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। तो देखिए नोट में दूसरा पॉइंट लिखा गया है कि लाइट हैज अ डुअल नेचर, दैट इज इट बिहेव्स एज वेव व्हेन इट प्रोपगेट्स एंड इट बिहेव्स एज पार्टिकल व्हेन इट स्ट्राइक विथ एन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल। यानी जब किसी ऑब्जेक्ट से टकराता है या किसी पार्टिकल से टकराता है तो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, और जब प्रोपगेट करता है तो वेव की तरह बिहेव करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, इतना सारा कहानी सुनने के बाद हमें यह भी समझ में आ गया कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में प्रोपगेट करता है। तो वेव का तो वेवलेंथ होता है बुआ, तो कितना वेवलेंथ होगा? तो लाइट का जो वेवलेंथ है वो होता है 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। यू नो नैनोमीटर, नैनोमीटर मीन्स 10^-9 मीटर, या किताबों में आप देखोगे लिखा रहेगा 4000 एंगस्ट्रम टू 7500 एंगस्ट्रम। मैंने क्या कहा, ये रेंज जो है वो कितना से कितना है, मैं इसे इरेज करता हूँ। ये स्टोरी आपको आई होप समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, क्या लोगे ले लोगे तो ले लो जो भी है। उन्होंने कहा कि लाइट का जो वेवलेंथ है, जो लैम्डा है, लाइट का जो लैम्डा, यू नो लैम्डा, लैम्डा इज वेवलेंथ, तो लैम्डा जो है वो अधिक है किससे, ग्रेटर देन 400 नैनोमीटर एंड इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू 750 नैनोमीटर। दिस इज वेवलेंथ ऑफ लाइट, या इसे हम नैनोमीटर को चाहो, 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10^-9 मीटर, या आप कह सकते हो 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है
10 एंगस्ट्रम। तो अगर आप एंगस्ट्रम में इसे कन्वर्ट करो तो आप इसे लिख सकते हो 4000 एंगस्ट्रम से कम ज्यादा या 7500 एंगस्ट्रम से कम। तो दिस इज द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। इससे कम होगा तो अल्ट्रा वायलेट लाइट कहलाएगा और इससे अधिक होगा तो इंफ्रारेड लाइट कहलाएगा। दोनों ही हम देख नहीं पाते हैं, ना हम इंफ्रारेड को देख पाते हैं ना हम अल्ट्रा वायलेट को देख पाते हैं। हमारी आंखें 450 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर के बीच ही देख पाती हैं, इसी के लिए हमारी आंखें सेंसिटिव है। जैसे याद करो साउंड फ्रीक्वेंसी से सेंस होता था 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से कम को भी हम नहीं अल्ट्रासोनिक और 20,000 से अधिक भी नहीं इंफ्रासोनिक। याद होगा ठीक उसी तरह यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट इंफ्रारेड समझ में आ गया होगा। दिस इज द वेवलेंथ ऑफ रेंज ऑफ विजिबल लाइट। ये वेवलेंथ का रेंज है विजिबल लाइट का, इसके बीच में हमें दिखता है समझ गए। ऐसा नहीं कि इससे ज्यादा का लाइट नहीं होता है, होता है कम भी होता है, लेकिन उसे हम लाइट नहीं कहते, वो अलग चीज हो जाता है। अल्ट्रा वायलेट इंफ्रारेड वो सब बातें आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो लाइट प्रोपगेट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में जिसका वेवलेंथ होता है 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। ठीक है, लाइट जब प्रोपगेट करता है तो अलग अलग मीडियम में लाइट का स्पीड अलग अलग होता है, ये भी याद रखने की बात है। अलग अलग मीडियम में लाइट का स्पीड क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, और मैंने अभी तुरंत कुछ देर पहले बात की थी, रेयर मीडियम में फास्ट, डेंसर मीडियम में स्लो। मीडियम जितना डेंस होगा लाइट उतना ही स्लो होगा, समझ गए। हाँ, लाइट का स्पीड मैक्सिमम कहाँ है, वैक्यूम में। वैक्यूम में लाइट का स्पीड टॉप मोस्ट स्पीड है, सबसे ज्यादा स्पीड में चलता है, दैट इज इक्वल टू 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑल्सो कॉल्ड 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 300,000 किलोमीटर। कम है, बहुत ज्यादा है, 300,000 किलोमीटर एक सेकंड में। और अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा दिस इज द हाईएस्ट अटेनेबल स्पीड इन नेचर, यानी इससे ज्यादा तेज दुनिया में कुछ चल ही नहीं सकता, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज द हाईएस्ट स्पीड, इससे ज्यादा तेज कुछ नहीं चलता है। और इससे ज्यादा अगर आप चलने लगोगे आप, अभी आपका उम्र अगर 15 साल है तो आपका एज घटने लगेगा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि लाइट के स्पीड से चलना शुरू करो एज रुक जाएगा, लाइट के स्पीड से अधिक चलना शुरू करो एज घटने लगेगा, यानी कि स्पीड टाइम में गड़बड़ी होने लगती है जब आप उतने स्पीड से चलते हैं। तो छोड़ दो उन सब बातों को, हायर फिजिक्स छोड़ो, तो इसीलिए थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है हमको, चलिए उसको छोड़िए। तो स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम कहाँ है, वैक्यूम में कितना है, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। बाकी किसी भी मीडियम में जाओगे लाइक वाटर में कम होता है, वाटर में 225,000 किलोमीटर पर सेकंड होता है, 75,000 घट जाता है। और ग्लास में देखोगे तो वो 200,000 किलोमीटर पर सेकंड हो जाता है और घट जाता है। तो अलग अलग मीडियम में लाइट का स्पीड अलग अलग होता है, लेकिन सबसे अधिक स्पीड वैक्यूम में होता है, ये बात करोगे। हाँ अच्छा, एक बात और, लाइट जब एक मीडियम से, अब आप देखो एक बात बताओ, क्लास 9th में अगर आपने वेव पढ़ा होगा तो वेव का स्पीड पढ़ाया होगा टीचर ने, स्पीड ऑफ वेव। तो वहां पर आपको पढ़ाया गया होगा कि स्पीड ऑफ वेव जो होता है, किसी भी वेव का स्पीड जो होता है वो दो चीजों का प्रोडक्ट होता है, किसका किसका, उसका वेवलेंथ और उसका फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, लैम्डा है ये और ये न्यू है, न्यू थोड़ा बढ़िया से लिख दे, ये लैम्डा है, न्यू है, ये लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, और न्यू क्या है, ये है फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी दीज आर द टू फैक्टर्स ऑफ वेव। वेव में वेवलेंथ होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। तो मैं कह रहा हूं कि अलग अलग मीडियम में जाएगा तो लाइट का स्पीड अलग अलग होगा। तो स्पीड तो दो चीजों का प्रोडक्ट है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। तो क्वेश्चन उठता है कि जब मीडियम चेंज होगा तो क्या बदलेगा, वेवलेंथ बदलेगा या फ्रीक्वेंसी बदलेगा या दोनों बदलेगा। आंसर है वेवलेंथ बदलेगा। जब मीडियम एक दूसरे, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका वेवलेंथ चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, ये याद रखने की बात है। व्हेन लाइट प्रोपगेट्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट्स वेवलेंथ चेंजेस बट फ्रीक्वेंसी डजंट, समझ गए। नोट में लिखा हुआ है वेवलेंथ बदलती है लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। अगर आप देखो व्हाइट लाइट की बात करो तो व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं, याद रखिएगा। सबसे पहले रेड होते हैं, रेड, ऑरेंज होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है, ब्लू होता है, इंडिगो होता है और वायोलेट होता है। दीज आर द 7 कलर्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कलर्स, 7 कलर्स होते हैं व्हाइट लाइट में, ये सब मिलके व्हाइट लाइट बनता है। अगर आप रेड से वायोलेट की तरफ चलना शुरू करो, अलग अलग कलर की बात करो, तो रेड का वेवलेंथ सबसे अधिक होता है, मैक्सिमम वेवलेंथ, और इसका वेवलेंथ सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। तो याद रखिएगा, इधर से इधर जा रहे हो आप
तो आपका वेवलेंथ घट रहा है। रेड सबसे ज्यादा, ऑरेंज उससे कम, येलो उससे कम, ग्रीन उससे कम, ब्लू उससे कम, इंडिगो उससे भी कम, वायलेट उससे भी कम। लेकिन एक बात बताओ भैया, इन दोनों का वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट ही तो स्पीड है। अरे है ना, तो वैक्यूम में अगर वेवलेंथ घट रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा होगा ना। यानी सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किसके, किस कलर के लाइट की होगी? वायलेट की। वायलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होगी और रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। यानी कोई पूछे कि किस कलर का वेवलेंथ सबसे अधिक है, आंसर देंगे रेड। किसका वेवलेंथ सबसे कम है? वायलेट। किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है? वायलेट। किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है? रेड। और याद रखना, कलर डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर। ये मिसकंसेप्शन है, किताबों में लिख देता है कि कलर वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। आंख मूंद करके किसी को भी बता सकते हो कि नो, कलर डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। समझ गए बात? क्योंकि एक बात बताओ, लाल कलर का बल्ब अगर पानी के अंदर जलाएं और पानी के बाहर से देखें तो वो लाल का दिखेगा कि पीला दिखने लगेगा? ऑब्वियस है लाल दिखेगा। तो मीडियम चेंज होने के बाद भी कलर चेंज नहीं हुआ, लेकिन अगर मीडियम चेंज होने के बाद वेवलेंथ तो चेंज हुआ होगा। कलर चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब वो एक ऐसी चीज पे डिपेंड करता है जो चेंज नहीं हुआ, और वो क्या है? फ्रीक्वेंसी। इट मींस कलर डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, बट किताबों में लिख दिया जाता है कलर डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ। नहीं मानना इस बात, कलर डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, दिस इज मिसकंसेप्शन। समझ गए? तो ये है शिफ्टिंग, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो व्हाइट कलर में 7 कलर्स होती है, 7 कलर है। किसका वेवलेंथ सबसे अधिक, किसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम, ये बातें याद रखिए। और एक बात याद रखिएगा, जिस कलर का फ्रीक्वेंसी जितना अधिक होगा उसकी एनर्जी उतनी अधिक होगी। याद कीजिए, मैंने क्लास 9th में वेव पढ़ाया था, मैंने कहा था कि एनर्जी कैरियर में कितना एनर्जी कैरी कर रहा है उसमें सबसे मेन दो चीज पर रोल प्ले करता था, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। तो एम्पलीट्यूड तो सब जगह अलग अलग सेम ही होता है, हम सिर्फ किसकी बात करते हैं? फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक किसकी? वायलेट की। तो सबसे अधिक एनर्जेटिक लाइट कौन सा होगा? वायलेट। सबसे कम एनर्जेटिक? रेड। समझ गए? और इस बात को साबित किया आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने कहा कि लाइट में एनर्जी पैकेट्स होता है, जिसे उन्होंने क्या कहा, जिसे उन्होंने फोटोन कहा। उन्होंने कहा वायलेट कलर का फोटोन का एनर्जी सबसे अधिक होगा और रेड कलर के फोटोन का एनर्जी सबसे अधिक होगा। क्योंकि एनर्जी ऑफ फोटोन अगर आप देखोगे, एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन की परंपरा, फोटोन इंट्रोड्यूस ही किया था किन्होंने? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो उन्होंने फॉर्मूला दिया एच न्यू। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक साहब ने ये बात कही थी, हायर फिजिक्स में पढ़ोगे, उन्होंने कहा था एनर्जी जो है सो वो कंटिन्यूअस नहीं है, डिस्क्रीट है। बहुत सी बातें उसमें जाएंगे, बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, ऐसे ही बहुत लंबा हो चुका है। तो ये है एनर्जी ऑफ फोटोन एच न्यू, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी एंड एच इज कॉन्स्टेंट। एच तो कॉन्स्टेंट है बुआ, एच तो कॉन्स्टेंट है, एच इज प्लैंक कॉन्स्टेंट, नोट में लिखा हुआ एच इज प्लैंक कॉन्स्टेंट एंड न्यू इज फ्रीक्वेंसी। तो एच तो तुम्हारा कॉन्स्टेंट है, तो बच्चा बात फ्रीक्वेंसी यही वैरी करेगा। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी अधिक होगी उसका एनर्जी भी अधिक होगा। यानी किस कलर के फोटोन की एनर्जी अधिक होगी? वायलेट वाले की कि रेड वाले की? वायलेट वाले की। ब्लू वाले की कि येलो वाले की? ब्लू वाले की। येलो वाले की कम होगी। अरे आया समझ में? जिसकी फ्रीक्वेंसी अधिक होगी उसका फोटोन भी अधिक एनर्जेटिक होगा। यही ना रीजन है कि जब किसी चीज को गर्म करते हो आग में देखे, तो सबसे पहले जब वो उसमें से रोशनी निकलनी शुरू होती है तो किस कलर का रोशनी निकलता है? रेड कलर का। अरे भाई याद कर, मोमबत्ती, कैंडल फ्लेम पढ़ा होगा ना, क्या पढ़ाया वहां टीचर ने? कि ब्लू वाला फ्लेम सबसे अधिक एनर्जेटिक होता है, गैस को जलाते हो ब्लू रोशनी निकलता है, और उसी गैस को कम ऑक्सीजन मिलने लगे वो येलो जलने लगता है। कभी देखा इस बात को? कभी कभी गैस जो खराब हो जाता है बर्नर, तो उसमें से येलो येलो कलर का रोशनी निकलना लगता है, तब हम कहते हैं कि गैस बर्नर। और जब वो एकदम पूरा एफिशिएंसी में जलता है तो ब्लू कलर का, इट मींस ब्लू में एनर्जी अधिक है, येलो में कम है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये सारी बातें लाइट की करेक्टिविटी, ये यही क्लास था आज का। कल से हम लोग क्लास 10th का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। आज का था सिलेबस मेनली नॉलेज पर्पज से। आई होप आपको बहुत सी बातें पता चली होंगी, ऑप्टिक्स क्या है, लाइट क्या है, लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इतना सारा कहानी है, स्टोरी, लंबा सा लेक्चर है पूरा। आपने धैर्य के साथ इतना दूर देखा, थैंक यू इतना बढ़िया से। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा, अच्छा लगा होगा। कुछ भी नहीं समझ में आया हो, क्या समझ में नहीं आया, सब चीज़ समझ में आया ही होगा। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि ये समझ में नहीं आया, ये या व्हाट्सएप पे पूछिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जिस दिन से हम लोग वो शुरू करेंगे जो हमें 10th में पढ़ना है। यानी हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइट के बारे में, रिफ्लेक्शन उफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बारे में बात करना शुरू करेंगे। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।